कोविड-19 टीकाकरण को लेकर मंगलवार को जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। समाज सेवी सुमित जायसवाल ने बताया कि लोगों में भांति भांति की धारणाएं एवं भ्रम फैला रहा है, तो कोई टीकाकरण से डर रहे हैं। कोरोना महामारी पूरे देश में काल बनी हुई है, जिसे टीकाकरण के माध्यम से हराया जा सकता है। जिन लोगों को टीका लग चुका है, वे लोगों का सुरक्षित है। जब मन में फैली विसंगतियों को दूर करके टीकाकरण ही कोविड महामारी की रोकथाम के सही माध्यम है। ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ को रवाना किया गया है, जो ठीकरी नगर सहित आसपास के क्षेत्रों में लोगों तक पहुंचेगा एवं जागरूकता फैलाएगा। इस दौरान तहसीलदार राजेश कोचले, बीएमओ एन डी तिवारी, रंजीत सिंह मुजालदा, पवन अग्रवाल, ज्योति पवन अग्रवाल, वंदना राठौड़, रमेश राठौर, राजेश महाजन, आशीष महाजन, शैलेंद्र महाजन आदि मौजूद थे। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए बड़वानी सुरेंद्र वर्मा की खास रिपोर्ट। क्या मामला भैया? ये जागरूक अभियान चलाया जा रहा है, आज से शुरुआत कर रहे हैं, जो 1 तारीख से 18 वर्ष के ऊपर आयु के लोगों के लिए वैक्सीन लगाने का जो सरकार का निर्देश है, उसका कहीं ना कहीं शायद समाज में या लोगों में देखने को मिला कुछ भ्रांतियाँ पैदा कर रहे हैं कुछ लोग, तो उन्हीं के लिए जागरूक अभियान है, क्योंकि वैक्सीन पूर्ण रूप से सुरक्षित है। तो हम ये चाहते हैं एक लाल बाग के राजा के माध्यम से, संस्था है हमारी, कि ये वैक्सीनेशन का काम पूर्ण रूप से हो जाए, तो इस कोरोना महामारी से हर आदमी सुरक्षित हो जाएगा।